Nolly School, Guide Campus, Class 4, Subject Computer, Chapter 4, the topic is more about Tux Pain, Lecture number 19. जी स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा और हमने लास्ट लेक्चर में इसके शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए, आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इनको समझेंगे. जी क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ विल यू ओपन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पिक्चर. नंबर 1, you have to click the open tool in the Tux Pain window. A list of all the previously saved images will be displayed. Number 1 step ye hai, theek hai. Uske baad second step kya hai beta, you have to select the picture that you want to open. theek hai, aapne wo picture select karni hai jo aap open karna chahte hain. theek hai, uske baad hai number 3, click the open button present at the bottom left corner. bahut easy hai. question number 2, how will you print a picture यूजिंग अ प्रिंटर, कि हम पिक्चर को प्रिंट आउट किस तरह कर सकते हैं प्रिंटर की हेल्प से. नंबर 1 स्टेप क्या है, क्लिक द प्रिंट टूल, द प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपेयर ऑन द स्क्रीन, कि आपके मॉनिटर आपकी स्क्रीन पे जो है ये ऑप्शन शो होगा. नंबर 2 स्टेप आपने क्या करना है, क्लिक येस, प्रिंट इट अ डायलॉग बॉक्स अपेयर. ठीक है, आपने इस पे येस क्लिक करना है क्योंकि आप उसका प्रिंट आउट निकालना चाह रहे हैं हार्ड कॉपी यानी हार्ड फॉर्म में. उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है, सिलेक्ट द प्रिंटर द नंबर ऑफ कॉपीज एंड क्लिक इट, कि आप कितने उसकी कितनी कॉपीज चाह रहे हैं, 1, 2, 3 जितनी आपकी चॉइस है, आप जितने भी कॉपीज चाह रहे हैं तो आप उसके ऊपर नंबर नंबरिंग लिखेंगे, उतने ही फिर आपके पेजेस जो है वो प्रिंट आउट हो जाएंगे. ठीक है, बहुत इजी था क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3, द स्टैम्प टूल इन द टक्स लुक्स रियली गुड फन, हाउ कुड यू यूज इट इफेक्टिवली टू क्रिएट अ लिटिल लुक booklet about different size creature. जी आंसर इज, stamps आर लाइक रबर stamps और stickers that यू कैन पेस्ट इन योर पिक्चर. द यूजर कैन क्रिएट अ booklet यूजिंग stamps ऑफ डिफरेंट साइज creatures ऑन ईच पेज. ऑफ कोर्स यू कैन डू, इट्स वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन Tux Paint. Tux Paint क्या है आपने बताना है. सो बेसिकली Tux Paint अलाउज यू टू प्लेस मल्टीपल इमेजेस ऑफ द सेम स्टैम्प इन योर पिक्चर. जी स्टूडेंट, के 4 क्वेश्चन थे, बहुत इजी हैं. EFR एक्टिविटीज, ठीक है, जो EF आपकी एक्सरसाइज की हैं वो एक्टिविटीज हैं, वो इंशाल्लाह हम लैब विजिट करेंगे तो फिर इस पर वर्कआउट करेंगे. सो आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ आ गए होंगे स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझना है और कोशिश किया करें ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस याद करके लिखा करें. जब हम बुक की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, एमसीक्यूज है. नंबर 1 स्टेटमेंट, दिस बटन इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ स्टोरी बोर्ड एज अ स्लाइड शो. इसका आंसर है स्लाइड. विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू डिसेबल या एनेबल टू साउंड, दैट आंसर इज ऑल्टरनेट प्लस एस, यानी आप कीबोर्ड की हेल्प से ये 2 की प्रेस करेंगे तो आपका जो है शॉर्टकट इज टू यूज टू डिसेबल एनेबल हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद नंबर 3 स्टेटमेंट है, दिस बटन इज यूज टू बिगन अ स्लाइड शो, इट्स प्ले बटन. ठीक है, 4 स्टेटमेंट है, द साउंड बटन्स आर प्रेजेंट एट द डैश कॉर्नर, इट्स लोअर लेफ्ट. लास्ट वन इज, विच वन इज नॉट अ टूल इन Tux Paint, इसमें से कौन सा बटन नहीं है. जी क्लोज इज नॉट अ टूल ऑफ Tux Paint. ओके, सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया स्टूडेंट्स. इट्स योर डायरी, यू हैव टू लर्न द लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ Chapter number 4. Thank you.